हेलो एवरीवन, मैं आज बना रही हूँ एक ऐसा केक या पेस्ट्री जो कि घर में ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बन जाएगा। और इसको बनाने के लिए आपको न तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही गैस जलाने की। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी, आइए साथ मिलकर बनाते हैं। फिर इसके लिए हमें चाहिए वाइट ब्रेड स्लाइसेस, जितनी आपको ज़रूरत है उतने स्लाइसेस ले लीजिए। मैं यहाँ पर 4 स्लाइसेस ले रही हूँ। अब इनके एजेस को हमें कट करना है चारों तरफ से। इसके लिए ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी है, वाइट ब्रेड ही लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और केक भी हमें सॉफ्ट चाहिए। यहाँ मैंने सब स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पाइनएप्पल जूस। ये टिंड पाइनएप्पल है, इसमें जूस होता है, वही जूस यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल बिना तार की चाशनी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ली है सॉफ्ट क्रीम चीज़। इसको हम हर स्लाइस पे स्प्रेड करेंगे एक साइड, जेनरस अमाउंट में इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। ये जो क्रीम चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है, नमक वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी है। ये देखिए सारी स्लाइसेस हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं। एक तो ये टिंड पाइनएप्पल है ही, स्ट्रॉबेरी ली है मैंने 4-5 और कीवी ली है। अब स्ट्रॉबेरी और कीवी के स्लाइसेस को हमें थोड़ा शुगर कोट करना है। कटी हुई कीवी को मैंने एक गर्म पैन में डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी है। अब इसको लगातार तब तक चलाते रहना है जब तक कि पूरी शक्कर कीवी के टुकड़ों पर कोट हो जाए, ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। ये तैयार हो गई है कीवी, इसको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं, उसमें भी शक्कर डालकर बस इसी तरीके से तैयार करना है हमें। ये भी तैयार हो गई है, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए शक्कर अच्छे से कोट हो गई है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब इन ब्रेड स्लाइसेस को एक एक करके अलग करेंगे। एक स्लाइस पर हम ये कटे हुए पाइनएप्पल के टुकड़े लगाएंगे। अच्छे से अरेंज करना है इसको इवनली, खूब सारे टुकड़े लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे, इस पे लगाएंगे कीवी, इसको भी इवनली अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, बीच में आप फ्रूट जैम लगा दीजिए कोई सा भी। अब एक और स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, इस पे लगाएंगे कटी हुई स्ट्रॉबेरी। खूब अच्छा टेस्ट हो गया इस स्ट्रॉबेरी का। अब इस पे एक और ब्रेड स्लाइस रख देंगे। अब इस पे हम लगाएंगे ये व्हिप्ड क्रीम। ये रेडीमेड व्हिप्ड क्रीम है, इसका कैन मिलता है इस तरह का मार्केट में। अगर आपके पास ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप घर की ही मलाई को अच्छे से फेंट कर उसको लगा सकते हैं। इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। केक हमारा सेट हो गया एकदम। इसके ऊपर डालूंगी कद्दूकस की हुई वाइट चॉकलेट। ये चॉकलेट मैंने घर में ही कद्दूकस की है, आप चाहें तो ब्राउन चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे कीवी के बने हुए कुछ फूल और एक स्ट्रॉबेरी रख देते हैं। बस तैयार है केक। अब आपको चाहे दिन में मीठा खाने का मन करे या रात में, इस तरीके से आप केक घर में ही बना सकते हैं, वो भी देखिए कितनी आसानी से। तो एंजॉय करिए इस केक को और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।